नाम क्या बताया आपने? नाम क्या बताया? नसीर अहमद। नसीर, नसीर अहमद। काम क्या करते हो नसीर साहब, सच बोलो। मैं मदरसे पढ़ाता हूँ। ओए, मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? ऐसे कायदा कुरान पाक वगैरह ये पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, वो कुछ शिकायतें आई थी आपके मदारस से? किस तरह की? वो कहते हैं बच्चों के साथ ज्यादती होती है। वो आपके साथ हुई होगी, लेकिन यहाँ तो नहीं होता हमारे पास इस तरह की। मैंने कहा आपके मदारस में पढ़ी है भाई। आपके मदारस में चले, मैं आपको एक चलो छोड़ो। नहीं, आप आपने गलत बात किया ना, आपने बदतमीजी किया ना, तो मैंने तो इस तरह। अब आप सुनो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इंडस्ट्री लगा रखी है जो गे पैदा करती है। न सिर्फ पैदा करती है, बल्कि उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर ढोक, हर गांव, हर बस्ती, हर शहर की हर गली में ये दस्तयाब हूं। गली गली मस्जिद बनी हुई, हर 200 गज के बाद मस्जिद बनी हुई और ये वहां दस्तयाब। जो मोहल्ले में पहुंचता है वहां करता है, जो शहर में पहुंचता है वो वहां करता है, जो ढोक में होता है वो वहां करता है। सिर्फ एक वफाकुल मदारस जिसके साथ ताल्लुक है मुफ्ती अजीजुर रहमान का, 70,000 तैयार करके भेजता है साल में। ये मसला ऐसे है जो है, इतना नहीं कि हम लतीफे बना के इसको खत्म करते, इस पर बाकायदा होनी चाहिए। ये मदारस खत्म करना चाहिए, दीन इन मदारस से नहीं चला था। ये बात की बिद्दत है, ये दरस निजामी भी बिद्दत है। मैट्रिक के बाद बच्चे को भेजें, उससे पहले बच्चा इनके हवाले मत करें, घरों में पढ़ाएं बच्चे, अपने बच्चे को घर में पढ़ाएं। तो दादी ये कह रहे कि मैट्रिक के बाद भेज दें, वो मैट्रिक के बाद मोली मोली छोड़ देता बच्चे को। मैट्रिक के बाद तो उसको कहाँ छोड़ते हैं, इंडस्ट्री लोगों की है गैप पैदा करने। अच्छा जनाब, ठीक है ना? अल्लाह यार साहब, वो पता चला शिकायत किस शिकायत की बात कर रहा है? माँ बाप आपके अपने उलमा की शिकायत, आपने मजाक उड़ा के, आपने मजाक उड़ा के वो टाल दिया। लेकिन शाहिद मिना है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पढ़ी है, जाकिरीन क्या करते हैं, उनके इमाम बारे में क्या होता है, ये तो नहीं कुछ नहीं। हमारी बात नहीं, कुछ नहीं, जाकिरीन ये काम नहीं करते, जाकिरीन का कोई क्लिप नहीं है इसमें। जाकिरीन बेचारे, वो उनको, वो जाकिरीन के मुतालिक इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। जाकिरीन बच्चों के साथ, बकवास ना करो, जाकिरीन का बच्चों के साथ कोई क्लास नहीं होता। जाकिरीन में वो खतीब होते हैं, वो खिताबत करते हैं आके, भाई वो उसमें बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, सबके सामने वो मजलिस पढ़ के चला जाता है, तकरीर करता है। क्यों बकवास करते हैं जाकिरीन? ये आपके अपने मौलवी साहब हैं कि आपके जो मदारस हैं वो गे 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 के फैक्ट्री हैं। इमाम बारे जो है ना बोलते हैं कि गे गे, ये लड़कियां जो ना, नहीं इमाम बारगाह में कोई मुता नहीं करता, झूठ बोल रहा हूँ, इमाम बारगाह में कोई मुता शुता नहीं करता, ये सब बकवास है। तुम क्लिप लेके आओ, क्लिप लेके आओ, हम देखें कि किस इमाम बारगाह में मुता किया किसने, क्यों झूठ बोलते हो। इमाम बारगाह में अगर मसलन किसी शख्स ने किसी के साथ, किसी औरत के साथ निकाह करना हो, तो आके जाए, आपके मसाजिद में भी लोग जाते हैं निकाह पढ़ाने, वहां पे मुता नहीं होता। मुता हो भी ना, मुता तो शरी चीज है, अगर हो भी ना किसी ने वहां पे मुते का जो है अक्त भरे, होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसमें क्या हो, वो तो है ही शरी। आप जो बच्चों के साथ रेप करते हो उसका जवाब दे दो।